गाय भी आ रही है। और आयरा आयरा का रिएक्शन चेक करें देखो क्या। और ये हमारी बेगम भी आ गई है, देख चल जाएगा तो यहाँ पे आएंगी, उनकी चहचहाट होगी और एक रौनक सी लग जाएगी। है बहुत अच्छा किया, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। भाई कलेजी तो भाई ऑडियंस ने बड़ी पसंद करी है, तो अब कोई और जो है वो कोलैबोरेशन के साथ अब क्या आपको डिश बनाने का इरादा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों भाई एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें मैं जो है वो दो दिन से काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह भाई फाइनली वो रेडी है और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइज़ करना है, क्योंकि भाई एक डेकोरेटिव प्रोजेक्ट है और डेकोरेटिव आइटम्स अमूमन जो है ख़वातीन को पसंद आते हैं। तो भाई प्रोजेक्ट क्या है आपको क्विकली अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बर्ड्स फीडर बनाया है, इसको मैं अभी अपनी गैलरी में इंस्टॉल करूँगा। तो अभी इसका जो है वो इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस जो है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो भाई जल्दी क्विकली जो है मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस करता हूँ। अच्छा जो है वो कुंडा मुझे बनाना है, तो इसके लिए भाई ये मेरे पास एक 4 mm का जो है वो सरिया है, तो इसके ज़रिए मैं बनाता हूँ उसको। अच्छा भाई इसको मैंने कुछ इस तरीके से वाइस में पकड़ लिया है और इसको अब मैं यहाँ से हीट करूँगा और गर्म करके इसको यहाँ से बैंड कर दूँगा। तो ले जी भाई हमारा कुंडा तैयार है। अच्छा भाई दोस्तों सीन ये है कि इस बर्ड्स फीडर को मुझे अपनी गैलरी में यहाँ पे इंस्टॉल करना है कहीं, तो इसके लिए मुझे जो अच्छी लोकेशन नज़र आ रही है भाई वो ये नज़र आ रही है और यहाँ पे जो है वो ये एक एंगल जा रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये कुंडों को एंगल पे वेल्ड करके ना इस पर हैंग किया जाए। तो ज़रा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा काम है, कलर वाला इसका हटा के ना कुंडे इस पर वेल्ड करने। अच्छा भाई दोस्तों दोनों कुंडे जो है वेल्ड हो गए, ये भी हो गया और पीछे वाला भी हो गया। अब इस पर ज़रा मैं पेंट मार देता हूँ ताकि ये जंग वगैरह से महफूज रहे। चलो भाई दोस्तों ये काम तो हमारा हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़रा इसको लाके यहाँ पे टांगते हैं। चलो भाई दोस्तों ये अच्छा हुआ कि भाई ये वेल्डिंग का काम हो गया, क्योंकि भाई लाइट जा चुकी है तो बड़े कम टाइम में जो है वो ये काम करना पड़ता है, क्योंकि लाइट का आना जाना लगा रहता है। तो ये काम हो गया, पसीने पसीने हो गया उस वक्त में, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद के जो है बाकी काम करेंगे। तो भाई कहाँ हो तुम, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो भाई दोस्तों इसको इंस्टॉल करते हैं। चलो भाई फाइनली इंस्टॉल हो गया और ये आप देख सकते हैं, मैं इसको हैंगिंग पोजीशन में ही लेके आना चाह रहा था ताकि जब इस पर बर्ड्स वगैरह बैठे तो ये हैंगिंग भी करे, थोड़ा अच्छा लुक आएगा। तो भाई माशाल्लाह से फाइनली भाई हमारा बर्ड्स फीडर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसमें बस अब मुझे दाना रखना है, दाना रखने की जो पोजीशन मैंने बनाई है वो भी इंशाल्लाह भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी दाना जो है किस तरीके से रखना है भाई वो भी एक टेक्निक है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अच्छा भाई दोस्तों अभी मैंने इसको उतारा है, इसका फिटिंग मैकेनिज्म मैंने अभी लगाया है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये एक बाउल है, इसमें ढक्कन लगा हुआ है और इसमें जो है मैंने दो सुराख किए हैं, एक सुराख यहाँ पे किया है, एक सुराख यहाँ पे किया है और इसमें मैंने टेप लगा दिया था। जब मैंने इसको लगाया ना तो ये टेप हटा दी, तो ये इस तरीके से दाना नीचे आ गया। अब जैसे जैसे यहाँ से दाना कम होता रहेगा ना तो ये इसमें बाउल में से दाना नीचे आता रहेगा और जब होगा खाली होगा तो इसके अंदर जो है वो कील है, कील में बेसिकली रुका हुआ ये, तो ये इसको मैं निकाल लूँगा और फिर जो है उसको दोबारा रिफ़िल कर देंगे। तो अभी मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ।
चलो भाई दोस्तों, इसको मैंने जो है वो दोबारा इंस्टॉल कर दिया है और इसमें जो है वो दाना भी डाल दिया है। अच्छा भाई, आज चूँकि जुम्मा है तो अभी मैं नहाऊंगा धोऊंगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद फिर जो है वो हम खाने के बाद जो है बेगम को सरप्राइज़ करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, शाम हो चुकी है और भाई बड़ी खूबसूरत शाम है, और अभी जो है मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और अभी चाय की बड़ी तलब हो रही है। अच्छा, मैंने जो है वो यहाँ पर बैठक का भी इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि शाम की चाय अक्सर मैं ऊपर ही पीता हूँ। तो ज़रा पहले नीचे चल के देखते हैं भाई चाय रेडी है कि नहीं, अगर रेडी है तो फिर चाय लेके आते हैं ऊपर और फिर बेगम को भी जो है वो दिखाते हैं। चलिए, क्या पोजीशन है, ज़रा चेक करें नीचे की। चलो भाई, लाइट तो अच्छा है कि आ गई, और बेगम जो है वो किचन में कुछ कर रही है। भाई क्या कर रही है, चाय बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, अभी तो दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा भाई, एक जो है वो सरप्राइज़ है आपके लिए। सरप्राइज़ के एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, और वो प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप का तो था, तो मैंने का सोचा कि आपको दिखाया जाए और आपका रिव्यू लिया जाए। तो आप रेडी हैं? रेडी हैं तो अच्छा भाई, आप पहले चाय बना लें, आप चाय लेके आ जाएं ऊपर, फिर चाय ऊपर ही पियेंगे और आपको प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे और आपका रिव्यू भी लेंगे, ठीक है? मगर जल्दी, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। अच्छा भाई, चाय ज़रा ये पका के बनाती है, इसमें उनको टाइम लगता है ज़रा, तो मैंने बोल दिया जल्दी बनाए। अच्छा भाई, चाय बनने में तो अभी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आयरा को लेके आ जाऊँ, और आयरा को भी अभी तक जो है मैंने अपना ये प्रोजेक्ट नहीं दिखाया है, और आयरा को जो है वो बड़ से बड़ी मोहब्बत है, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आयरा बहुत ज़्यादा जो है उसको देख के खुश होंगी। अभी तक आयरा को नहीं दिखाया, तो आयरा का भी आपको एक्सप्रेशन इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो अभी मैं पहले जल्दी से आयरा को ले आता हूँ, उतनी देर में चाय भी बन जाएगी। अच्छा भाई, आयरा को मैं लेके आ गया हूँ, चाय भी रेडी है और आयरा जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। आ जाओ भाई आयरा, आ जाओ, चाय भी आ रही है। और आयरा, आयरा का रिएक्शन चेक करें, देखो क्या आ रहा है ये, जाओ देखो जाके क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप बताओ आपको क्या लग रहा है ये, क्या लग रहा है आपको? हाउस की तरह लग रहा है ना, ये बाबा ने पता है क्या बनाया है, ये बनाया है बर्ड हाउस, और ये हमारी बेगम भी आ गई है। चले बेगम का रिव्यू देख। चलो भाई, चाय भी आ गई है, चाय मैं पकड़ लेता हूँ, आप ज़रा इसको चेकआउट करें भाई, ये कैसा है, कैसा बना है, क्या है, ये भी चेकआउट करें ना, इसको भी तो दिखाएं। क्या लव इज़ अबाउट ट्रस्ट। चले भाई, ये भी मैंने ही प्रिंट किया था, और मैंने ये प्रिंट निकाले थे सारे। अच्छा भाई, ये चीज़ बनाई है, ज़रा आप इसको पहले बताएं ये है क्या चीज़, आपको क्या लग रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको जो है डिस्क्राइब करूँगा, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? मुझे बर्ड हाउस लग रहा है। ये बर्ड्स हाउस नहीं है, ये बर्ड फीडर है ये। इसमें जो है ना, यहाँ पे दाना रखा हुआ है, ठीक है ना, और अच्छा हाउस भी है, आप इसको कह सकते हैं हाउस, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अंदर से पैक किया हुआ है और यहाँ पे एक सुराख दिया हुआ है। दो एडवांटेजेस। हाँ, यानी कि अगर घोंसले में अगर घोंसला बनाना चाहे तो घोंसला भी बना सकती है छोड़िया, और बाकी वैसे भी इसके टू एडवांटेजेस यहां से भी है। हां, तो एज अ डेकोरेशन पीस भी हां रख सकते हैं, और इसके अलावा जो है बर्ड्स को भी इससे होगा फायदा। अब इसमें ये होगा ना कि अब जैसे चुड़ियाओं को यहां का जैसे पता चल जाएगा तो यहां पे आएंगी, उनकी चहचहाट होगी और एक रौनक सी लग जाएगी। है कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ये इसकी हट वट जो बनाई है कैसी लगी हट इसकी? बहुत अच्छा लगा। आयरा आप बताओ, आप इसमें पता है अब यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स होंगी ना, यहाँ पे जो उड़ती हैं बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स उड़ी होती है ना, तो बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आके बैठेंगी, यहाँ पे दाना खाएंगी, और फिर जिस बर्ड को वो घर अच्छा लगेगा ना, वो बर्ड वो घर ले लेगी, वो फिर वहाँ पे जाके अंडे देगी और फिर बच्चे निकलेंगे उसमें, ठीक है? तो फिर आयरा इसको देखेंगे। हाँ सही है, तो घर में ही तो है आपके, ये घर में ही है ना। चलो भाई, अभी चाय भी आ गई है, बहरहाल इनको प्रोजेक्ट आपको पसंद आया? बहुत जबरदस्त लगा, बहुत बेहतरीन, मतलब एक डेकोरेशन पीस है भाई। इन्होंने मुझे ये बोला था कि यहाँ पे आप थोड़े से मार्केट वगैरह में मैंने नहीं देखा इस तरह का, आपने खुद अपने से बनाया, और ये हैंगिंग है तो जरा अच्छा भी लग रहा है, मतलब हैंगिंग लुक जरा अच्छा आ रहा है इसका ना। जी सही है। तो अभी भाई चाय आई हुई है, चाय पी लेते, डिस्कशन कर लेते भाई नेक्स्ट हमारा जो है वो कुकिंग की डिश क्या होगी, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। अच्छा भाई, हमारी तो सादी चाय है, हमारी बेगम की भलाई वाली है, तो मैं सादी ही ले लेता हूँ चाय। बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, कलेजी तो भाई ऑडियंस ने बड़ी पसंद करी है,
कलेजी की रेसिपी आपकी। तो अब कोई और जो है वो कोलैबोरेशन के साथ अब क्या आपको डिश बनाने का इरादा है, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या ऑप्शन होने चाहिए? मैं तो ये सोच रही हूँ हम लोग बनाते हैं हलीम। अच्छा, हलीम जो है ना काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है मेरा भी पेंडिंग में, असल भी नहीं है और खाया भी नहीं है। और दूसरा ये कि असल में हलीम जो है ना मेरे पास देग है बहुत बड़ी, अब वो मैं जब सोचता हूँ ना कि इतनी बड़ी देग बनाऊँ तो फिर वो मेरा इरादा जो है ना थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है यार, इतनी बड़ी देग बनाना, उसको संभालना और फिर इसने बड़े प्रोसेस को करना। हाँ देग है मेरे पास दो हैं, अब वो छोटी कुछ ज़्यादा ही छोटी है, अब ये भी तो मसला है ना। हाँ सही है, तो वो घोटा भी मैंने एक बनाया हुआ है, उसकी मैंने वीडियो शेयर की थी, तो उसको भी टेस्ट करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हलीम जो है वो अगर कल बनाना होगा तो फिर आज उसके लिए सामान लाना पड़ेगा, दालें वगैरह, क्योंकि रात में भीग भीगती हैं वो दालें। तो देखते हैं भाई, अभी ज़रा चाय वाय पी के ज़रा मगरिब, तो अभी अगर भाई मूड हुआ तो मगरिब के बाद इंशाल्लाह जाएंगे, सामान वामान लेके आएंगे और फिर जो है वो कल इंशाल्लाह हलीम बनाएंगे। अगर बन गया तो फिर कल इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आएगी। तो भाई चले भाई, ये आज का प्रोजेक्ट था। और हाँ आएगी चिड़िया जब देखेगी ना दाना फिर आएगी। तो भाई अगर आपको अच्छा लगा ना प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो चले भाई दोस्तों, ये था आज का व्लॉग और आज का प्रोजेक्ट। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।